स्वागत है। मैं श्लोक शास्त्री आज आपके सामने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक विभक्ति प्रस्तुत करूंगी, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कारक विभक्ति। तो सबसे पहले कारक, हाँ जी, कारक किसे कहते हैं? कारक, कारक क्या होता है? क्रिया से सीधा संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अर्थात वाक्य में जिस क्रिया, जिस संज्ञा या सर्वनाम आदि का, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ सीधा संबंध प्रकट होता है या प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया बहुत जी।
द्विपत्री विभक्ति, संख्या कारक द्विपत्री विभक्ति। संख्या सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जिन संकेतों या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने पानी पिया, राम ने जल पिया। अब यहाँ पर देखिए क्रिया कौन सी हो रही है, इसमें पीना, जल पी रहा है ना, तो क्रिया कौन सी है, पिया, और कर्ता कौन है इसमें, राम। अब देखिए राम जल पी रहा है, लेकिन उसके साथ चिन्ह कौन सा प्रयोग किया गया है, ने, तो उसमें ने क्या होगा, विभक्ति होगी, उसमें ने क्या होगा, विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे त्वं पत्रं लिखसि, अब इस एग्जांपल के इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, त्वं पत्रं लिखसि। अब इसमें देखिए तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा। आप देखिए इसमें त्वं, तुमने कर्ता है ना, तुमने, अब इसमें ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, इसमें विभक्ति, ये ने क्रिया के साथ संबंध को बता रही है ना, कर्ता मतलब कार्य कर रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है जो लिखना क्रिया हो रही है। इसे तुमने पत्र लिखा, उसमें तुम के साथ जो ने शब्द का प्रयोग किया गया है, ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो क्या होगी, उस वाक्य की विभक्ति। ठीक है बच्चों, तो आगे आइए आगे शुरू करते हैं, कारक विभक्ति। अब देखिए हमने कारक के विषय में जाना और विभक्ति के विषय में जाना। अब कारक के कितने भेद हैं, 6, हिंदी भाषा के अनुसार 8। अब हम विभक्ति के भेदों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो विभक्ति के भेद कितने हैं, हाँ जी, विभक्ति कितने प्रकार की होती है, विभक्ति संस्कृत भाषा के अंतर्गत विभक्ति दो प्रकार की होती है, वो है सबसे पहले है कारक विभक्ति और दूसरी है उपपद विभक्ति। हाँ जी, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, विभक्ति के ये दो भेद माने गए हैं। ठीक है, आज हम आपका संस्कृत पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कारक विभक्ति के विषय में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि उपपद विभक्ति इससे ऊपर की कक्षा के पाठ्यक्रम में आता है, इसलिए यहाँ पर हम उपपद विभक्ति के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, केवल कारक विभक्ति के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कारक विभक्ति क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है कारक विभक्ति, कारक विभक्ति है जो विभक्ति, कारक विभक्ति के विषय में सुनिए, जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है। अब देखिए क्रिया में चिन्ह हमने कौन सा लगाया, ने, त्वं, ठीक है, या राम जलम पिबति। आप इसमें देखिए राम ने हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी कि राम ने जल पिया। ठीक है, हमने इसमें विभक्ति का प्रयोग किया है जिसमें सामान्य नियम है। ठीक है, जैसे राम ने जल पिया, विभक्ति का चिन्ह हमने लगाया है, वो किस आधार पर लगती है, ठीक है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। किस आधार पर लगती है, मतलब कौन सी विभक्ति के आधार पर यहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है और जिसमें सामान्य से नियम लगते हैं, ठीक है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। अब आइए जानते हैं विभक्ति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, विभक्ति दो प्रकार की है, विभक्ति के भेद दो हैं,
संस्कृत भाषा में जो कारकों के चिन्हों के आधार पर विभक्ति है वो आठ मानी गई है, सात मानी गई है, वो है जैसे हम पहले कारक के विषय में चर्चा करेंगे, कारक कौन कौन से हैं हमारे कारक हैं, सबसे पहला है कर्ता, कर्ता कारक, ठीक है, उसके पश्चात है कर्म कारक, उसके पश्चात करण कारक, उसके पश्चात संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवा है अधिकरण कारक। अब हम इन कारक के विषय में विभक्तियों के साथ साथ चर्चा करेंगे, ठीक है, कारक, हाँ जी, और अंतिम कौन सा कारक है, संबोधन, ठीक है। ये आठ कारक होते हैं हिंदी भाषा के अनुसार, ये आठ कारक हैं। तो ठीक है, ये आठ कारक माने गए हैं। आप देखिए इनमें विभक्ति देखेंगे, इनमें चिन्ह के आधार पर कौन कौन सी विभक्ति इनमें प्रयोग की जाएगी। सबसे पहले है अब प्रथम कारक का भेद है कर्ता, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, ठीक है। उसके पश्चात है, हाँ जी, करण द्वितीया, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, पंचमी अपादान, पंचमी विभक्ति, संबंध षष्ठी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति। संबोधन को हम संबोधन के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति के शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकार, इनमें सात विभक्तियों, सातवीं मतलब सात विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो विभक्ति कितनी हुई हमारी, सात, ठीक है। अब इनमें विभक्ति चिन्ह देखते हैं, विभक्ति बगी
बगीचे में एक पेड़ है। अब देखिए बगीचा, बगीचे में एक पेड़ है, बगीचे में कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी विभक्ति। और चिन्ह कौन सा होगा उसमें? में या पर, आधार है उसमें, ठीक है। तो में चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो अब इसमें देखेंगे, हमने हिंदी भाषा में दो द्विवचनों के आधार पर, सिर्फ एक वचन सॉरी एक वचन और बहुवचन के आधार पर शब्दों के सातों विभक्तियों के अनुसार कितने रूप बनते हैं? 14। लेकिन संस्कृत में जब किसी शब्द रूप के बारे में जानेंगे, हाँ जी, शब्द रूप के बारे में जानेंगे तो एक वचन जब हम संस्कृत भाषा में किसी शब्द के विभिन्न रूप के बारे में जानेंगे तो उस रूप के, उस शब्द रूप के, हमने जैसे कि पहले पढ़ा हुआ है कि संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो हम एक वचन बाल वरु
बताऊंगी इसको। जैसे हम कोई भी वाक्य बनाते हैं कि एक बच्चे को जल दे दो, ठीक है, या फिर बच्चे को ले आओ, बाल कौ आनयतु, बाल कौ आनयताम, मतलब एक बच्चे को ले आओ, दो बच्चों को ले आओ, बालकान आनयन्तु, सभी बालकों को, सभी बच्चों को ले आओ। हाँ जी, अब आगे देखते हैं हम तीसरी विभक्ति के बारे में बात करेंगे। तीसरी कारक विभक्ति, जिसमें कारक कौन सा है, कर्ण कारक है, विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति है, और विभक्ति चिन्ह कौन सा है, से के द्वारा, से या के द्वारा। हाँ जी, तो इसका संस्कृत भाषा में रूप क्या बनेगा, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाभ्याम
जैसे बालक से पुस्तक ले लो। आप देखिए बालक से जब पुस्तक लेंगे तो वो पुस्तक बालक से अलग होगी ना, तो बालका पुस्तकम ले लो, ठीक है, बालक से पुस्तक ले लो। उसी के बस इसी तरह से एक और वाक्य के साथ में इसे समझाती हूँ, जैसे वृक्षा पत्राणि या फलानि पतन्ति। हाँ जी, वृक्षात पता फलानि पतन्ति। आप देखिए वृक्ष में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। अब वृक्ष से फल गिर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति। वृक्ष में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। अब आगे देखते हैं, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के कारक कौन सा है, संबंध कारक। कारक कौन सा है, संबंध। छठा कारक है तो संबंध विभक्ति कौन सी है, षष्ठी। और विभक्ति चिन्ह कौन सी है, का के की, जिसको संस्कृत में कहेंगे बालकस्य बालकयो बालकानां। हाँ जी, यहाँ पर बाल का नाम मैंने म के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया किया है, तो ये बाल का नाम, ठीक है। बाल कस्य बाल कयोः बालकानां, एक बालक का, दो बालकों का, सभी बालकों का, ठीक है। संबंध में किसी भी वस्तु से हम संबंध जब प्रदर्शित करेंगे तो एक बालक के लिए बालकस्य, दो बालकों के लिए बालकयोः, सभी बच्चों के लिए बालकानां, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं सातवें कारक की। तो सातवां कारक कौन सा है हमारा, अधिकरण। कौन सा है, अधिकरण। अब अधिकरण में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। आप यहां से ही इसको समझ सकते हैं कि पहला कारक प्रथमा विभक्ति, दूसरा कारक द्वितीय विभक्ति और सातवां कारक सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो अधिकरण सप्तमी विभक्ति, इसमें रूप कैसे बनेंगे, बाल के बाल कयो बालकेषु। बाल कयो, बाल के बाल कयो बालकेषु, ठीक है। एक बालक पर, दो बच्चों पर और सभी बच्चों पर, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल उदाहरण में समझाया था आपको कि बगीचे में वृक्ष है, बगीचे में वृक्ष है। अब देखिए क्या कहेंगे, बगीचे में, एक बगीचे में वृक्ष है, उद्याने वृक्षाः सन्ति, बगीचे में वृक्ष है। आप दो बगीचों की जब बात करेंगे तो उद्यानयो वृक्षाः सन्ति, दो बगीचों में अनेक वृक्ष हैं। अब उद्यानेषु, बहुत सारे बगीचों में, उद्यानेषु वृक्षाः सन्ति, अनेक उद्यानों में वृक्ष हैं। अब इसके हमें यहाँ पर सात कारक और उनकी सातों विभक्तियों के विषय में चर्चा की। अब अंतिम जो कारक है संबोधन, जिसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, किंतु हे अरे शब्दों के साथ, हे अरे चिन्हों के साथ, संस्कृत में भी इसी तरह से और हिंदी में तो आप करते ही हैं, ठीक है। हे अरे, जहां पर ऐसे चिन्ह नजर आए तो समझ लीजिए वहां पर संबोधन कारक है। तो इसमें क्या होगा, हे बालक, हाँ जी, जब संबोधन है तो इसमें आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे बालक, हे बालकौ
बच्चे को तो एक बच्चे को बुला रही है तो हे बालक, हे बालको, दो बच्चों को बुला रही है तो हे बालको, सभी बच्चों को संबोधित कर रही है तो हे बालका। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे संस्कृत भाषा में, हाँ जी संस्कृत भाषा में एक शब्द के 21 रूप, ठीक है, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों के अनुसार। ठीक है तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, इसलिए आप बालक के शब्द रूप कारक विभक्ति के अनुसार अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे, इसे कंठस्थ करेंगे। अन्य शब्द रूप आपको, जैसे आज तो हमने पुल्लिंग शब्द रूप के विषय में जाना, अन्य शब्द रूप इसी के अनुसार, इसी कारक विभक्ति के अनुसार आगे की वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप इस काम को वीडियो में देखकर समझें और अपनी कक्षा पुस्तिका में नोट करें। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।